अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? चौंक गए ना आप लोग सब ये देखकर। क्या आज आंटी को क्या हो गया? आंटी कैसे बैठी हुई है? तो भाई आज मेरी बेटी को दिल हुआ था कि मम्मा मैं आज आपको ब्राइडल मेकअप करती हूँ। और आप मेरी माशाल्लाह तीनों बेटियाँ बहुत टैलेंटेड है, बहुत बहुत मतलब माशाल्लाह से जिस तरीके से मैंने उन्हें बचपन से देखा है या वो मुझे देखती आ रही हैं, ये तो आप सबको पता होगा कि हमेशा बेटियाँ जो हैं वो माँ को देखकर ही हर चीज़ सीखती हैं। तो वो शुरू से मुझे जिस तरह देखती आ रही हैं, तो यही वजह है कि मेरी तीनों बेटियाँ जो है माशाल्लाह एक से बढ़कर एक है और सब में कोई ना कोई टैलेंट है। तो आज पता नहीं अच्छे अचानक बैठे बैठे उसको दिल हो गया कि मामा आज मैं चाह रही हूँ कि मैं किसी को ब्राइडल मेकअप करूं। और मेकअप माशाल्लाह वो बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा करती है। उसने नेहा को भी एक बार किया था, दुआ को आप जानते होंगे, उसने नेहा को भी एक बार ब्राइडल मेकअप किया था। माशाल्लाह वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और नेहा से उन्होंने पूछा भी था। तो आज उसकी पकड़ में मैं आ गई और आज वो मेरे पीछे लग गए कि मामा आज तो मैं आपको करूँगी, आपके शादी पर तो हमने देखा नहीं था और तस्वीरों में वैसे आता नहीं है, तो आज मैं आपको ब्राइडल मेकअप करके देखना चाहती हूँ कि आप कैसी लगती हो। तो इसलिए मैं तैयार हो गई क्योंकि मैं मेरी बेटियों की खुशियों को पहले जो है अहमियत देती हूँ और उनकी खुशी में खुश रहती हूँ। और छोटी बेटी कभी मेहंदी पकड़ के लगा लेती है, ये देखे मुझे छोड़ती ही नहीं है, कभी मेहंदी कभी कोई मेकअप ले पकड़ के कर लेती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी पर शूट कर लिया जाए। 2 दिन से तो मैं आपको स्किन केयर पर बता रही थी और आज मैंने सोचा कि चलो बच्ची को खुशी है, बच्ची का दिल चाह रहा है तो उसका दिल वो होना नहीं चाहिए, तो चलो यही करके देख लेते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। और अभी मैं सिर्फ फेस वॉश करके आई हूँ, मैंने चेहरे पे सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया है। ये करीब से आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, कैमरा करीब लेकर आओ, पसीना आना शुरू हो गया क्योंकि पंखा बंद है। तो ये करीब से आपको मेरा चेहरा नज़र आ रहा होगा, ये देखिए मैं बिल्कुल फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर लगाया और मैंने कुछ नहीं किया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलेंगे क्योंकि उसमें बरकत होती है, मेरी हर वीडियो में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चाहे वो कैसा भी काम हो शुरू होने से पहले मैं जरूर बोलती हूँ। अब यहाँ पर जो है हमारा आई मेकअप शुरू हो गया है। अभी मेकअप मेरा पूरा ऐसा है, तो आप हमारा लुक देखिएगा कैसे चेंज होता जाता है। डर रहे होंगे ना मेरी बेटी जो मेरा कैमरामैन जो मेरी वीडियो बना रही है, मैं आप लोगों को डरा रही हूँ, वो डर गई। हम लगाएंगे अब इसमें से अपने आईज के लिए अच्छा ये वाले लगाएंगे, ठीक है। और ये किट है कौन सी उसकी है? सर्दिया की। अब जो है हमारे यहाँ पर लाइनर लग रहा है। लाइनर दिखा दो, ये देखें ये USA का लाइनर है और ये बहुत बेस्ट लाइनर है, ये मैं भी लगाऊंगी, आप देखना कैसा लगता है। और वाटरप्रूफ लाइनर है। आइज हमारी हो चुकी है तकरीबन तकरीबन
और अब यहाँ पर जो है फेस को बेस से फिल किया जा रहा है, यानी कि बेस लगाया जा रहा है। ये जो है मेरे फेस की कंटूरिंग हो रही है। शाइनर लगाया जा रहा हाइलाइटर। तो कैसा लगा मेरा नया लुक? ये है मेरा फाइनल लुक जो दुआन है मेरी बेटी ने मेरे मेकअप किया, यही मेकअप एक बार ब्राइडल मेकअप नेहा ने भी करवाया था जो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था, और अब ये मेरे पीछे लग गई थी और ये जब पीछे लगती है तो ये कर ही रहती है, तो इसने मेरे को आज ये नया लुक दे दिया। मैं 25 साल पहले दुल्हन बनी थी और मैं कभी भी मैं कहीं पर पार्लर में मेकअप नहीं करती, यहाँ तक जब दुआ नेहा की शादी हुई थी जब भी मैं सलून नहीं गई थी, मैं खुद से तैयार हुई थी, और आज फिर मेरे को दुआ ने दुल्हन बना दिया है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैं कैसी लग रही हूँ। आप सोचेंगे आंटी को क्या हो गया, तो मैं तो पहले दिन से आप लोगों से यही कह रही हूँ कि हर वीडियो में आप मुझे एक नए अंदाज और नए लुक में देखेंगे, जिसमें कुकिंग भी होगी, हर तरह की चीजें होंगी और अपनी जिंदगी की हर चीजें एक्सपीरियंस हर चीज मैं आपसे शेयर करूंगी, मस्ती मजाकें भी होगी, मौज मस्ती भी होगी। तो इसलिए आज सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की जाए, और मेरा मेकअप लुक, मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, मामूली सा कुछ दो तीन चीजें लगाकर डेली बेसिक पे मैं जो वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ज्यादा मेकअप मुझे पसंद नहीं है और मुझे उलझन भी बहुत होती है ज्यादा देर बैठकर मेकअप करने में, लेकिन क्योंकि आज दुआ की ख्वाहिश थी मैंने ये मेकअप बनाया। अब आप मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, और इसके साथ ही मुझे इजाजत है, अल्लाह हाफिज़।